हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन्स को लेके। आप चाहे सोल के हो, एनसी वेब के हो या रेगुलर के हो, तीनों स्टूडेंट्स के लेके बात करेंगे कि इनका कब एडमिशन्स होना है। फिर बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें एडमिशन के दौरान, और डिस्कस करेंगे क्या हमें सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो रिजल्ट होता है उसकी जरूरत पड़ेगी थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए। और बात करेंगे कि हमें कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम्स को लेके, कि जब हमारा एडमिशन जाएगा तो उसके कितने टाइम बाद एग्ज़ाम होगा, बस कितना टाइम होगा पढ़ने के लिए, स्टडी मटेरियल्स कब मिलेंगे, एडमिशन्स क्लासेस कब होंगी, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, पूरे वीडियो के साथ बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंड जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी अपडेट हो आप लोगों से रिलेटेड तो आप लोगों को फटाफट पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर वाले, जो जिनका एडमिशन होना है थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में। तो रेगुलर एन सी वेब दोनों लगभग सेम होता है, तो दोनों को पूरी बात कर लेते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, आप लोगों को सिंपल अपने कॉलेज में जाके फ़ीस पे करनी होती है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की। पूरे एक साल की जो फ़ीस होती है सेकेंड ईयर की, तो पूरी सिर्फ आपको फ़ीस पे करनी होती है और अपने सब्जेक्ट चुनने होते हैं। वो सब्जेक्ट जैसे आपको एग्ज़ाम के टाइम चुनने होते हैं, अभी नहीं चुनने होते। अभी आपको वेरी सिंपल जाके अपने कॉलेज में फ़ीस पे करनी है और कुछ नहीं करना। एन सी वेब वालों का भी यही होता है, उनको जो लोकेशन दिया जाता है, उनका जो कॉलेज दिया जाता है, वहाँ जाके उनको सिंपल फ़ीस पे करनी होती है और उनका एडमिशन आराम से हो जाता है। ये दोनों आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं आपको एग्ज़ाम के टाइम करने होते हैं, तो आप लोगों को बस ओनली फ़ीस पे करनी है। फ़ीस जो होती है वो लगभग 4000 से 4500 इसी के आसपास होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। बात करते हैं सोल वालों का। तो सोल वालों को जो एडमिशन्स होते हैं वो होते हैं, उनमें सोल वालों को जो एडमिशन्स है उसके लिए उन्हें एक अप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो भरना पड़ता है। जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा तो आपके जो डैशबोर्ड है उस पर आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है, आपको साइबर कैफे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फ़ोन से अपने भर सकते हैं। सिंपल आपको एक फॉर्म भरना होता है और आपको फ़ीस पे करनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। किसी और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपके डैशबोर्ड पर एक फॉर्म आ जाएगा जब भी एडमिशन स्टार्ट होगा, और आपको सिंपली वो फॉर्म भरना है अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, घर बैठे आराम से भर सकते हैं, फ़ीस पे कर सकते हैं। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, जो आपका जो एडमिशन है वो हो जाता है पूरे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए, पूरे एक साल के लिए सेकेंड ईयर में। डन, बात करते हैं जो एडमिशन से वो कब स्टार्ट होने वाले। तो रेगुलर वाले जो एडमिशन से वो 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो वो तो जाके करवा सकते हैं अभी एडमिशन। एन सी वेब वालों का आप कभी भी हो सकता है, 30 अगस्त 31 अगस्त कभी भी अचानक स्टार्ट हो सकता है, तो आप लोग तैयार रहो, आपका एडमिशन कभी स्टार्ट हो सकता है। एंड जो सोल वाले, उनका थोड़ा लेट होने वाला है, तभी सोल वालों का कुछ कन्फर्म डेट भी नहीं आया है। सोल वालों का एडमिशन अभी फिर भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनका जो है मिड सितंबर से स्टार्ट होगा। तो आप लोग फिलहाल आराम से बैठे रहिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो सितंबर में स्टार्ट होने वाला है। तो और आपको कोई खास कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, तो अभी आराम से बैठे रहिए। जैसे एडमिशन स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा, आपको वीडियो बना दूँगा, पूरा प्रोसेस बता दूँगा कि आप कैसे घर बैठे अपना आराम से एडमिशन कर सकते हैं। तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये जैसे ही उस वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। एंड एडमिशन्स का, तो सोल वाल का एडमिशन जो है वो अपना सितंबर में होने वाला है, और आपको सिंपल एक फॉर्म भरना है और किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कि क्या हमें सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हमें सिर्फ सिंपल जो रेगुलर वाले उनको फ़ीस देनी होती है, और जो सोल वाले उनको एक अप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जो कि उनके डैशबोर्ड पर आता है, तो हमें किसी और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि यार हमारा रिजल्ट आया नहीं तो हमें एडमिशन कैसे होगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं, वो रिजल्ट मैटर नहीं करता। आप थर्ड सेमेस्टर में आराम से एडमिशन ले सकते हो बिना रिजल्ट के, किसी भी दिक्कत नहीं है। और आपका जो रिजल्ट है वो भी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो लगभग आएगा नवंबर दिसंबर में, क्योंकि देखो मार्च में पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो वैसे ही अभी सेकंड सेमेस्टर का तो कोई एक दो महीने में आने से रहा, तो आराम से वो भी नवंबर दिसंबर में आएगा। तो अब ऐसा तो नहीं है कि तब तक सोल अपना एडमिशन रोक देगा थर्ड सेमेस्टर का, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किसी सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर जो फिफ्थ में एडमिशन ले रहे हैं उनको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। सिंपली एक फॉर्म आएगा, उसे फिल करना है, फ़ीस पे करनी है एंड एडमिशन हो जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, अभी जो है जैसे कि टेंटिव डेट शीट बोल सकते हैं, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम की जो डेट बोली जा रही है वो दिसंबर में बोली जा रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। जनवरी भी जाता है, फरवरी भी जाता है, लेकिन एक जो दिसंबर होता है एक अंदाज़ा लगाने के लिए आप इसे मान सकते हैं। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होता है, सितंबर मिड सितंबर में एडमिशन चालू हो जाएंगे और फिर दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास एक दो महीना तो होता ही आराम से, क्लासेस व्लासेस उसी बीच में सब कुछ हो जाएगी, सब आपके मटेरियल मिल जाएंगे। तो फटाफट जाकर एडमिशन करा लेना, क्योंकि बुक्स मिलने में बहुत टाइम लगता है, 12 बुक्स खत्म हो जाती है, बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद बुक्स मिलती है। तो जैसे ही स्टार्ट हो एडमिशन, जाकर फटाफट एडमिशन कराओ और बुक्स लो। एग्ज़ाम जो है दिसंबर में अभी बताया जा रहा है, अभी जैसे मैंने पता लगाया है तो दिसंबर में भी सर्कुलर आया कि दिसंबर में होगा, लेकिन क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती है, बहुत सारे अप्स डाउन आते रहते हैं सोल में, तो ऊपर नीचे हो जाता है डेट। तो अभी कंफर्म डेट नहीं है,
अंदाज़ा लगाया जा रहा है, बट दिसंबर तक हो ही जाता है, दिसंबर या जनवरी, ज़्यादा लेट हो भी होगा तो जनवरी तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जाके फटाफट अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पता करो और पढ़ाई वढ़ाई भी शुरू कर दो। आई होप आपको वीडियो काम की लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको सबसे पहले पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।